नहीं गलत बोल रहा, बहुत गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, इतने बड़े राज्य की सीएम है, ये सब दूसरा अगर बोल रहा है तो उसके दिमाग का दिवालियापन है। और ऊपर से कहते हैं कि मैच हारने का कारण भी वही है जो पीएम मैच देखने कोई बात है। कितनी ओछी छिछोरी बात है, ये फ्रेवलेस है, ये बात ही बेसलेस बात है। कांग्रेस ने शराब पिला रखी है, इलेक्शन आने से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा। ये ठगों का हरा देंगे 6 महीने में, ये एक घटिया घमंडी गठबंधन है और ये 24 से पहले ही टूट जाएगा, गारंटी है। हाँ गारंटी है, ऐसे हो गया। और क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, रोजगार थोड़े ना मिल जाएगा। अयोध्या देख लेना 29 में, दिल्ली से भी गजब का सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी। अरे वहाँ के किसानों को काम मिलेगा, बेलदारों को, लेबर को, बिजली वालों को, पानी वालों को, होटल ढाबा राशन रिसोर्ट, ऐसा गजब का शहर बनेगा ये अयोध्या नगरी, दिल्ली को फेल कर देगा। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों 2024 चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बीच काफ़ी सारी बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तमाम नेता बयान दे रहे हैं कि एक व्यक्ति के कारण हमारा देश मैच हार गया। उसी पर अब तक विवाद चलता रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक व्यक्ति गए थे, पापी व्यक्ति, मैच देखने, शायद इसलिए भारत मैच हार गया। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मैच लखनऊ में होना चाहिए था, तो ममता बनर्जी कहती है कि मैच ईडन गार्डन में होना चाहिए था। राहुल गांधी पूछते हैं कि भारत माता कौन है। बहुत सारे सवाल हैं पॉलिटिक्स के लेकर के, कि क्या चलेगा क्या नहीं होगा, और चुनाव भी नज़दीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में हमारी सरकार बन रही, तो मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मामा जी आ रहे हैं। बहुत सवाल है, पूछेंगे जनता से और राय लेंगे कि आखिर ममता बनर्जी ने जो कहा कि व्यक्ति पापी था जो मैच देखने गया था, इस वजह से भारत मैच हार गया, तो कारण क्या है। क्या नाम है सर आपका? धर्मराज एडवोकेट। एडवोकेट, हाँ जी। आप ममता बनर्जी को जानते होंगे? हाँ खूब जानते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि एक व्यक्ति पापी मैच देखने गया था, इसलिए मैच हार गया। क्या प्रधानमंत्री को पापी बोलना जायज है? नहीं गलत बोल रहा, बहुत गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, इतने बड़े राज्य की सीएम है, ये सब दूसरा अगर बोल रहा है तो उसके दिमाग का दिवालियापन है। और ऊपर से कहते हैं कि मैच हारने का कारण भी वही है जो पीएम मैच देखने। कोई बात है, कितनी ओछी छिछोरी बात है, ये फ्रेवलेस है, ये बात ही बेसलेस बात है। दो पहलवान लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। दो पहलवान कुश्ती करेंगे, जीतेंगे, दो टीम लड़ेगी, कंटेस्ट करेगी, तो एक जीतेगी एक हारेगी। ऊपर से पनौती बोल रहे हैं कुछ लोग, ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था कि पनौती मतलब प्रधानमंत्री, गलत है। अब शब्द है ये गलत शब्द है, और ये शब्द उसने वापस लेने चाहिए और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा होद्दा है, वैसे तो राष्ट्रपति का है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में ऐसे शब्द बहुत गलत है, निंदनीय है। राहुल गांधी के लिए सवाल है मेरा कि उन्होंने कहा कि भारत माता कौन है, इस सवाल उन्होंने राजस्थान में चुनावी यात्रा के दौरान चुनावी सभा में कहा है, क्या कहेंगे उनको? भारत माता उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है भारत माता कौन है? नहीं पता सर, तभी तो पूछ रहे थे। मैं बताता हूँ उसको बताना, निश्चित भूभाग, उस पर समर्थ रहने वाले व्यक्ति और उनकी संस्कृति, वो भारत माता है। राहुल गांधी को समझना चाहिए, ये समझना चाहिए। अच्छा। उसको ट्विटर रखना चाहिए, ट्विटर देखना चाहिए, ट्विटर कोई गुरु गुरु, अच्छा, गुरु जो उसको राजनीतिक ज्ञान दे, ऐतिहासिक ज्ञान दे, हाँ। सोशियोलॉजी का ज्ञान दे। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत बेरोजगारी है देश भर में। बेरोजगारी जो है, जेब कतरे हो गए बेरोजगार, जब कतरे बेरोजगार, जब से ऑनलाइन पेमेंट कर दी ना मोदी जी ने, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा भाई साहब। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अभी एक हफ्ते पहले मेरा भांजा बीटेक करके 11 लाख के पैकेज में हफ्ते पहले लग गया गुड़गांव में, बीटेक करी इधर, करते ही लग गया। लियाकत है, पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। बोलेंगे सरकार वैकेंसी नहीं लाती है, सरकार पे वैकेंसी नहीं है, लिमिटेड वैकेंसी होती है, और सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ना कभी पहले भी निकाला जा रहा है नौकरी से, आज मिलेगी। हाँ जी, प्राइवेट में भी नौकरी से निकाला जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता बयान देते हैं। देखो कोई कंपनी फेल होगी या कोई फ्लॉप होगी है, क्या करेगा उसमें, मालिक कहाँ से देगा, दूसरी ज्वाइन कर ले, 10-10 कंपनी बदल लेते हैं। मेरा क्लासमेट है, मेरा क्लासमेट MBA करके बॉम्बे में है, वो 20 जगह बदल लिया,
जो 5 MD है ना, सुनो, हिंदुस्तान के 5 MD उनमें एक है वो। कौन है? सुरेंद्र मोहन गुप्ता। कहाँ से? हरियाणा से है वो। अच्छा, एक सवाल होगा मेरा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सवाल सुनिए साहब, बिहार से नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, एक इंडिया अलायंस बना था जिसमें अखिलेश यादव झगड़ा कर चुके हैं, क्या फिर से शामिल होंगे? और ये विपक्ष गठबंधन बना है, क्या सरकार को वापसी करेंगे? इलेक्शन आने से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा, ये ठगों का हरा देंगे 6 महीने में वापस। ये एक घटिया घमंडी गठबंधन है और ये 24 से पहले ही टूट जाएगा। गारंटी है? हाँ, गारंटी है। मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे? मतलब 100%। क्या क्या है मोदी जी ने, पर्सनली बताइएगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी क्या कर दिया? मोदी जी जात ना पूछो मोदी की, पूछो मोदी के काम। अरे पड़ा रहने दो गठबंधन को, भाजपा का करो सम्मान। क्या क्या काम करे सुन लो, बताइए। आयुष्मान योजना, कोई भी निर्धन व्यक्ति 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकता है। बोलते हैं बहुत घोटाला हुआ इस योजना में। घोटाला? कोई घोटाला नहीं। क्या आएगा घोटाला हुआ, ऐसे कह दिया किसी को। चलिए अगला काम बताइए। अब मैं आपको कह दूं, आपका कान ले गया कौआ, पहले कान देखोगे या कौए से पीछे भाग जाओगे? नहीं, नहीं, कान देखेंगे। कान देखो। क्या बताइए आगे योजना के अलावा? उज्ज्वल योजना, गैस, जिसमें कांग्रेस ने सारी जिंदगी कालाबाजारी करी है। धनजन योजना, गैस का दाम पूछ लें आपसे, गैस नौ का दाम 200 रुपए है। आमदनी बढ़ाए तो महंगाई नहीं बढ़ेगा? एक मिनट मैं बोल, अगर 200 रुपए 250 रुपए बढ़ गए क्या हो गया? 600 रुपए की लेबर नहीं कर दिया है? 800 रुपए राजमिस्त्री ले रहा है। अरे बोलते हैं कि उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई। सैलरी क्यों नहीं बढ़ी है? लाख लाख सवा लाख रुपए टीचरों को मिल रहे हैं, 6 पे कमीशन हुआ, बढ़ी नहीं है तनख्वाह? 7वां पे कमीशन पे नहीं बढ़ा? आपका जवाब बोरिस राय ले। और सुनो काम, नोटबंदी ने करा कमाल, पाकिस्तान हुआ कंगाल। मोदी की बुद्धि है ये, विवेक है, जो बिना लड़ाई के बिना झगड़े के ना हमारी फौजियों का नुकसान होने दिया, ना हमारे असले का नुकसान होने दिया, पाकिस्तान को पताल लोक में बिठा दिया, कांग्रेस को भी डुबाया। अच्छा, एक राम मंदिर का बहुत मुद्दा, नहीं कांग्रेस छोड़ दीजिए, अभी राम मंदिर का काफी मुद्दा बनाया जा रहा है, कि क्या चुनाव का ये मुद्दा है या भक्ति वाले मुद्दा है? देखो, राम का मंदिर का मुद्दा था, बहुत साल से लटका हुआ था, वो कंप्लीट कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया? सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कराया है। तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे ना मोदी जी को? क्या बात है, यही कांग्रेस 70 सालों में राम मंदिर नहीं बनने दिया था। सुन लीजिए, यही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, मोदी जी ने पूरा रुक गया। अच्छा अच्छा रुक गया, अरे हमारी भी सुन ले, तो रोज बोलता है यार, मैं तो कदे कदे आता हूँ। देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट या मोदी, चलो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं, वही जब 7 साल कांग्रेस का राज था, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट थी, हाई कोर्ट नहीं थी, बिल्कुल थी, फिर क्यों नहीं कराया? मोदी जी की वजह से हो गया। और क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, रोजगार थोड़े ना मिल जाएगा। राम भक्ति में अयोध्या देख लेना, 29 में दिल्ली से भी गजब का सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी। अरे वहाँ के किसानों को काम मिलेगा, बेलदारों को, लेबर को, बिजली वालों को, पानी वालों को, होटल, ढाबा, राशन, रिसोर्ट, ऐसा गजब का शहर बनेगा ये अयोध्या नगरी, दिल्ली को फेल कर देगा, रेवेन्यू मिलेगी। क्या ना भाई, फॉरनर आएंगे। आपको भी लगता है कि राम मंदिर से इतना कुछ काया पलट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, खास करके अयोध्या का? बहुत अच्छी बात है। नहीं बोल रहे हैं कि पूरा काया पलट हो जाएगा, बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा? मैं तो नहीं कह सकता भाई, सर सहमति नहीं रखते तो बोली विरोध नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, मुद्दा होगा 2024 चुनाव का? ये बोल रहे हैं तो होगा ही ऐसा, ये बोल रहे हैं ना उस बात को। अच्छा, महंगाई कहने का मतलब तो ये है, जैसे एक मकान बनाता ना दिल्ली में, 1000 आदमी को रोजगार मिलता है, 1000 आदमी को रोजगार मिलता है, कैसे? सीमेंट वाले को, पत्थर वाले को, ईंट वाले को, बेलदार को, पल्लेदार को, ट्रांसपोर्टर को, राजमिस्त्री को, और बिजली इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर को। ये जो वकील साहब है, ये वकील साहब है, एडवोकेट है, इन्हें यही नहीं पता कि वहाँ एक ही मंदिर बनने वाला है, सारी दुनिया में भी घर बनने हैं लोगों के? नहीं, एक ही मंदिर बनेगा वहाँ, तो मंदिर तो एक बनेगा, तो वहाँ के लोग तो कारोबार और जगह जो बनना है घर, ये उनको कारोबार नहीं मिल गया क्या? बोले कि वहाँ के लोग बनाएंगे, कहाँ के लोग बनाएंगे? अयोध्या के, स्मार्ट सिटी बना देंगे। ये है ना गलत बात इनकी, अगर ये तुम्हारी ये सोच है ना,
तो हर सिटी में हर शहर में बना दो एक मंदिर, ऐसा ही वैसा ही मंदिर होना चाहिए। ऐसा ही मंदिर हर हर शहर में बना दो, फिर तो सारे रोजगार हो जाएंगे। लखनऊ, पटना, वाराणसी, हाँ, फिर जैसे आज भिखारी हो रहा है ना, लोग लाइन में लगते जो है ना, वो फ्री राशन ले रहा है ना, ये भिखारी ना रहेंगे, फिर भिखारी बना दिया देश, भिखारी बना दिया देश को। कैसी बात कर रहे हैं सर, अभी तो बोले मोदी, अरे जेब कतरा खत्म कर दिया मोदी ने, बोले भिखारी, दिल्ली की बसों में जेब कतरे घूमते थे कांग्रेस के राज में, छा हाथ हाथ जेब कतरे आज भी घूम रहे हैं। सुन लो, ऑनलाइन कर दी ना, घूम रहा मेरा फोन, काट लो जेब जब कतरो, रोको ना, ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अरे 729 में जाके बैठो यहाँ, अभी देखो कितने जेब कतरा, सिंगापुरी की बस, सुल्तानपुरी की बस, खिचड़ीपुर की बस, त्रिलोकपुरी की बस, देश की बात करेंगे, भिखारी बना दिया 80 करोड़ लोगों को। वो भिखारी नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता ना वो भिखारी है। जो जमाखोरी करता था, जो कमीशन खोरी करता था, जो दलाली करता था, वो बेरोजगार हुए हैं। कमा के खा रहे हैं, मैं 44 साल से कमा के खा रहा हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ मंदिर बनाया है तो वहाँ के सारे लोग सब रोजगार होंगे और सबको रोजगार मिलेगा, कोई वहाँ बेरोजगार नहीं होगा, कोई बेरोजगार। वीरेंद्र तोमर, तुम्हें यही नहीं पता तोमर को? अच्छा, 5 लाख वो जो 15, 20, 50, 100, 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ का इधर उधर कर रहा था, उसको पहुंचा दो, उसको पहुंचा, उसके बारे में भी बोल दो। जो करेगा भरेगा, करेगा भरेगा, तुम नहीं करेगा। अरे यार, ये वकील साहब है, इनको पता तो कुछ है नहीं, इन्हें नहीं जवाब दे रहे हैं तो उलट पलट जवाब। अगर किसी चीज का पता हो ना, जब बोलना चाहिए। अब इनकी बात का जवाब का मैं दे रहा हूँ कि जैसे वहाँ मंदिर बनाया ना, ऐसे सब जगह बेरोजगारी खत्म कर दीजिए मंदिर बना के, और क्या, सब जगह मंदिर बना दीजिए। क्या ये बोलने की, हर सर मंदिर में बेरोजगारी खत्म कर दीजिए। जहाँ मंदिर है वहाँ कितना काम है, कितना रोजगार है। महाकालेश्वर गए हो कभी? ये गए कभी? ये नहीं गए ना? महाकालेश्वर जाकर देख क्या कितना डेवलपमेंट हो गया, कितना जबरदस्त। हाँ, मंदिर से तो आई गई, हम असम से है, कमाख्या में आप जाइए देखिए कितना दुकान है, दिया बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है भाई, हर वहाँ पे होगा, हर मंदिर के सामने अब रोजगारी है। और भारत में रोजगारी कहाँ है, हमको तो दिखाई नहीं देता है। का मतलब ये है कि राहुल गांधी को दिखाई देता है सर, राहुल गांधी को, उनको पूछिए, हम तो राहुल गांधी है नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई कहाँ, 37 रुपीज में पेट्रोल मिलता है, कहाँ महंगाई है, 37 में कहाँ, 97 में मिल रहा है। अरे 37 में मिलता है भैया, असम में मिलता है 37 में पेट्रोल, हाँ टैक्सेस अलग है। क्या रेट है, 37 में पेट्रोल है, अरे भाई टैक्सेस अलग है, वो अलग बात है। सॉरी, ये कांग्रेस ने शराब पिला रखी है।